पाठ चार बैंकिंग और मौद्रिक नीति। हम सर्वप्रथम बैंक का मतलब समझते हैं। बैंक क्या? बैंक शब्द से आप सभी लोग परिचित हो। अपने घरों में आप देख सकते हो, पैसों की बचत करनी हो, पैसे को सुरक्षित जगह पर रखना हो तो बैंकों का उपयोग करते हैं। बैंक में हम सावधि जमा योजना अर्थात जिसे हम फिक्स डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, जिसमें 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 15 साल ऐसे लंबे समय के लिए पैसे को जमा किया जाता है जिससे कि उस पर हमें ब्याज मिल सके और सही समय पर हम उसका उपयोग कर सके। बचत खाते में ज्यादातर पैसे लोग जमा करते हैं जिसे समय समय पर हम उपयोग करने के लिए निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों का भी बैंक में खाता खुलता है। अभिभावक उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उनका भी बैंक में खाता होता है। व्यवसाय के लेन देन के लिए बैंक में खाता खुलवाया जाता है। जैसे आपके घरों में जो रसोई गैस आता होगा उसके ऊपर जो सब्सिडी मिलती होगी तो सब्सिडी का जो पैसा होता है वो बैंक के खाते के द्वारा आपको प्राप्त होता है। स्कूल की जो फीस होती है कई बार उनके अभिभावक पेरेंट्स लोग बैंक के चेक द्वारा भरते हैं, या फिर घर में किसी प्रकार के टीवी रेफ्रिजरेटर या कार या किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा की चीज वस्तुएं खरीदनी हो तो उसके लिए बैंक से मुद्रा निकालनी पड़ती है अथवा क्रेडिट कार्ड के द्वारा नए आधुनिक के द्वारा उसे चुकाया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि होम लोन जैसे घर खरीदना हो, नया नया गाड़ी खरीदना हो और अगर हमारे पास भरपूर पैसे ना हो तो हम बैंकों से ऋण भी लेते हैं जिसे हम लोन के नाम से जानते हैं। तो हम सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं बैंक का उद्भव और उसका अर्थ। बैंक का उद्भव एवं अर्थ। अंग्रेजी में बैंक शब्द का अर्थ जत्था या समूह होता है। संस्कृत भाषा में बैंक शब्द का मतलब भांड है जिसका अर्थ पूंजी का जत्था ऐसा हो सकता है। ये जितने भी आपको मैं शब्द बता रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सारे चीजें आपको एक एक वाक्य में भी विकल्प में भी काम आएगा। इसी शब्द से भंडार शब्द बना है। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, अंग्रेजी में बैंक शब्द का अर्थ जत्था या समूह होता है। संस्कृत भाषा में बैंक शब्द का मतलब भांड है जिसका अर्थ पूंजी का जत्था ऐसा हो सकता है और इसी शब्द से भंडार शब्द बना हुआ है। अंग्रेजी में बैंक शब्द फ्रांस और इटली के शब्द बैंका और बैंक्यू पर से लिए गए हैं। यूरोप में प्राचीन काल में सराफ बेंच पर बैठकर मुद्रा का लेन देन और अलग अलग प्रदेशों में मुद्रा की अदला बदली करते थे। इस प्रकार बेंच पर मुद्रा के भंडार अर्थात जत्थे की अदला बदली होती थी जिससे बैंक शब्द अंग्रेजी में उपयोग होने लगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि बैंक शब्द मुद्रा के भंडार से संबंधित है। विश्व की सर्वप्रथम बैंक के रूप में स्पेन में सन 1401 में स्थापित बैंक ऑफ बार्सिलोना मानी जाती है। जब से मुद्रा की चलन के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई है तब से मुद्रा का कार्य विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापदंड तक मर्यादित न रहकर मूल्य के संग्राहक के रूप में उसमें भविष्य के सौदेबाजी का भुगतान या विलंबित भुगतान के साधन के रूप में भी स्वीकृत हुआ। अर्थात ये जो लाइनें हमने पढ़ी इसमें आपको पता चला पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि वस्तु विनिमय प्रथा, लेकिन जब से मुद्रा का चलन स्वीकार हुआ तब से विनिमय माध्यम और मूल्य के मापदंड मर्यादित न रहकर मुद्रा को मूल्य को हम संग्रह के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं और वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य में सौदेबाजी या भुगतान या जो भुगतान भविष्य का बाकी रह गया है या भूतकाल का बाकी रह गया है उसे भी पूरा करने के रूप में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। मुद्रा के कार्य बढ़ने से मुद्रा के मूल्य की देखरेख का प्रश्न उत्पन्न हुआ। अब हम शुरुआत करते हैं बैंक का अर्थ। तो बैंक का सर्वप्रथम अर्थ लेते हैं बैंकिंग की सेवा,
बैंकिंग की सेवा प्रदान करने वाली संस्था अर्थात बैंक, मांगे जाने पर उतनी मुद्रा वापस लौटाने की शर्त पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत एकत्र करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। बैंक अर्थात लाभ के उद्देश्य से कार्य करने वाली ऐसी धंधाकीय संस्था जो प्रजा की बचतों को जमा पूंजी के रूप में स्वीकार करे और बदले में ब्याज प्रदान करे तथा उनकी जमा पूंजी को सुरक्षित रखे और उनकी जमा पूंजी में से लोगों की आवश्यकता अनुसार उन्हें ऋण प्रदान करे एवं लोन की रकम पर ब्याज वसूल करे तथा अतिरिक्त मुद्रा को देश के विकास हेतु विविध क्षेत्रों में निवेश भी करे, उसे हम बैंक कहते हैं। इन दोनों अर्थ की तुलना में ये तीसरा अर्थ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो आपने इस परिभाषा के अंदर देखा कि बैंक का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। लाभ कमाने के उद्देश्य धंधा की संस्था है जो प्रजा की बचत को जमा भी करता है, बदले में ब्याज भी देता है और उसकी जमा पूंजी को सुरक्षित भी रखता है। जब भी प्रजा को जमा पूंजी में से आवश्यकता होती है उसे आवश्यकता अनुसार ऋण भी प्रदान करता है, लोन भी देता है, लोन की रकम पर ब्याज भी वसूल करते हैं और जो बाकी बचा हुआ बैंक में जो पैसा है उस अतिरिक्त मुद्रा को देश के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करते हैं अर्थात इन्वेस्टमेंट के रूप में उपयोग करते हैं ताकि वह बाजार में अलग अलग क्षेत्रों में लगा रहे और उसके द्वारा उन्हें बैंक को लाभ प्राप्त होता रहे। तभी तो इसे कहा गया है कि बैंक लाभ के उद्देश्य से कार्य करने वाली ऐसी धंधाकीय संस्था है। तो ये आपका बैंक का उद्भव और अर्थ है।